शिव की नगरी कहे जाने वाले सिवनी के दिघौरी में विश्व का सबसे अद्भुत अद्वितीय शिवलिंग विराजित है। स्फटिक से निर्मित इस शिवलिंग जैसा विश्व में कहीं और शिवलिंग नहीं है। इसके दर्शन, पूजन और अवलोकन के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में दुनिया का अनूठा स्फटिक से बना शिवलिंग है। हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक से व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। स्फटिक के शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, शत्रु शरण में आ जाता है, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े दिव्य स्फटिक शिवलिंग मंदिरों में से एक भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। एक सप्ताह का धार्मिक मेले के साथ स्फटिक के अनूठे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इस दौरान देश की समस्त पीठों के शंकराचार्य के अलावा देश में प्रचलित सभी धर्मों के महान धर्माचार्य मौजूद थे। बताया जाता है कि स्फटिक का शिवलिंग बर्फ की चट्टानों के बीच कई वर्षों तक पत्थर के दबे रहने से निर्मित होता है। यह शिवलिंग कश्मीर से यहाँ लाया गया था। इसके पूजन का भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। ग्राम दिघौरी में शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। वहीं पर स्फटिक के मणि शिवलिंग को वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद चारों पीठों एवं अन्य धर्माचार्य की उपस्थिति में स्थापित किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली होने के नाते यहाँ उनका जन्म हुआ, उसी जगह पर स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की गई। 15 फरवरी 2002 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर इसके स्फटिक मणिलिंग के स्फटिक शिवलिंग के दर्शन से मनोवांछा पूर्ण होती है। और यहाँ पर शिवरात्रि में मुरारा से वैनगंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ वहाँ से जल लेकर के कांवर यात्री आते हैं और दूर दूर से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। विभिन्न राज्यों से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, हर जगह से आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, फिर आते हैं। इसका विशेष महत्व ये है कि यहाँ शंकराचार्य की जन्मस्थली होने से इसका विशेष महत्व है। और स्फटिक का पूजन करने से क्या मिलता है? स्फटिक के पूजन से, स्फटिक शिवलिंग के पूजन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके दर्शन से, स्पर्श से और पूजन से तो विशेष ही मनोकामना। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।